हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक नहीं दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताना है वीडियो शुरू करने के पहले। वो ये है कि जितने भी मोटरसाइकिल ब्रांड्स हैं उन्होंने वारंटी को एक्सटेंड कर दिया है 2 महीने तक कम से कम। हुस्क्वर्ना, बजाज, होंडा और सुजुकी, सारे मेजर मोटरसाइकिल्स ने, ब्रांड्स ने वारंटी को एक्सटेंड कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम घर पे थे, हमें ज़्यादा बाहर जाने का ऑप्शन नहीं मिला और जो भी नए मोटरसाइकिल्स खरीदे थे उनको भी प्रॉब्लम हो रहा था। वो सोच रहे थे कि मेरा सर्विस का क्या होगा। सो वारंटी एक्सटेंड हो चुका है। और भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप होंडा का नया 200cc का ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाला है। मेरे पिछले लाइव सेशन में मैंने बताया था, अगर आपने लाइव सेशन नहीं देखा और आपको पता नहीं है लाइव सेशन क्या होता है, हर हफ्ते मैं इंटरेक्ट करता हूँ आप सबसे, मेरे सब्सक्राइबर्स है, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वहाँ पे मैं क्लारीफाई करता हूँ, आपकी क्वेरी रिजॉल्व करता हूँ। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं अपडेट करूँगा कि नेक्स्ट मैं कब आने वाला हूँ। एवरी वीक मैं आता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ सब आप सबसे। चलो वीडियो शुरू करते हैं और ये वीडियो होगा FZX के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि FZX के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मुझे कैसा लगा है मोटरसाइकिल, व्हाट डू आई थिंक अबाउट द मोटरसाइकिल। एक तो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो XSR 155 है, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि लॉन्च होगा यानी इंडिया में। आपको सिंगल वन लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ कि XSR 155 लॉन्च नहीं होगा इंडिया में। यामाहा ने बोला है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है XSR 155 को लॉन्च करने के लिए, और FZX उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटरसाइकिल है क्योंकि उनका फोकस उसी पे है। अभी FZX मार्केटिंग और यामाहा के लिए अच्छा मोटरसाइकिल है क्योंकि उनको एक कंप्लीट न्यू प्लेटफॉर्म में बाइक नहीं बनाना पड़ेगा। ये FZ का ही इंजन यूज़ होगा, FZ का चैसी और अंडरपिनिंग के ऊपर एक मोटरसाइकिल उन्होंने बनाया है जो काफ़ी यूनिक दिखता है। चीज़ ये है कि ये मोटरसाइकिल का कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे कि FZX जैसा कोई मोटरसाइकिल है उस प्राइस ब्रैकेट में, बिल्कुल नहीं। तो एक प्रॉब्लम थोड़े चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी कंफ्यूजिंग लगा है, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। क्योंकि FZX एक तो FZ से हैवी है और FZ ऐसा मोटरसाइकिल नहीं है कि पावर के मामले में बहुत अच्छा है। 30 Nm का टॉर्क है और जो पावर के मामले में इनिशियल पावर डिलीवरी ठीक ठाक है, बट आप जब इंजन को रेव करते हो और वो टॉप एंड तक पहुंच जाता है वहां पे आपको पता चलता है कि पावर थोड़ा कम है। बट चीज़ ये है कि FZX जो है उसमें आपको उन्होंने वेट बढ़ा दिया है। बट चीज़ ये है कि FZX का जो इंटेंशन है वो स्पोर्टी नहीं है बिल्कुल भी। आपका आप सीटिंग पोस्चर चेंज हो चुका है, हमें आपका जो सीटिंग पोस्चर है वो चेंज हो चुका है FZX में, क्योंकि FZ में आपको थोड़ा लीन फॉरवर्ड होकर बैठना पड़ता था, काफ़ी स्पोर्टी पोजीशन में बैठना पड़ता था। FZX में ऐसा नहीं है, आप एकदम बैक आपका स्ट्रेट और आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाते हो। तो ये उनके लिए नहीं है जो एग्रेसिव राइडिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए जो कम्यूट करना चाहते हैं एक काफ़ी रेट्रो लुक के साथ। बट मैं ये रेट्रो भी बोलना नहीं चाहता, ये काफ़ी रेट्रो बिल्कुल नहीं दिखता है। हाँ, राउंड हेडलाइट देने से कोई भी मोटरसाइकिल रेट्रो नहीं बनता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मॉडर्न एलिमेंट्स दिए गए इस मोटरसाइकिल में और ब्लूटूथ फंक्शंस और ये सारे चीज़ें दिए गए, तो ये एक प्रॉपर कम्यूटर मोटरसाइकिल है। तो आपको FZ लेना चाहिए, FZX। अगर आपको FZX का डिज़ाइन अच्छा लगा है तो गो फॉर FZX, नो इश्यूज। मैं आपको बताऊंगा कि FZX के प्रोज और कॉन्स क्या है और उस मोटरसाइकिल का रिव्यू वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ जल्दी, और आप स्टे ट्यून्ड। एंड वन मोर थिंग इज़ उसका काफ़ी कलर्स काफ़ी यूनिक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ऑल्सो टारगेटिंग द यंग ऑडियंस क्योंकि उसका कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट और फ्लैशी है। और क्या बात करूँ और बताऊँ मोटरसाइकिल के बारे में, सीट काफ़ी डिफरेंट है, सीटिंग पोस्चर काफ़ी डिफरेंट है, हैंडल काफ़ी अपराइट है, एंड आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। FZ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तो मैं सोच रहा था यार यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें भी देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, तो वो अच्छी बात है। ब्लूटूथ फंक्शंस के साथ अच्छा है, बट पावर के मामले में FZ हैज़ गॉन डाउन सो मच, उसका पावर कम होते गया है जब से वो FZ वर्जन 1 लॉन्च हुआ था। और FZX का वेट थोड़ा बढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं FZ में जब मैं चलाया था मोटरसाइकिल मुझे काफ़ी कंफर्टेबल और ट्रैफिक में चलाने के लिए ठीक ठाक लगा था, बट ऐसा लगा कि उसमें पावर का थोड़ा कमी है, तो जो लॉन्ग राइड्स पे लेके जाते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है FZ में, क्योंकि इसका इंजन का जो टॉप एंड और मिड रेंज उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि FZX भी एक प्रॉपर सिटी बाइक ही होगा जो कम्यूट करने के लिए आपको हेल्प करेगा, बट अगर आप हाईवे पर लेके जाओगे तो इट वुड नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। कुछ भी पूछना है FZX के बारे में आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एक और चीज़ ये है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, बाहर नहीं जा पा रहे हो ज़्यादा लॉकडाउन के कारण, अच्छा आप घर पर ही रहें,
आपको हमेशा आपके बाइक मोटरसाइकिल को लूप करना है चेन को, ये याद रखिए, क्योंकि आप ज़्यादा बाहर नहीं जाओगे तो क्या होगा, आपका जो चेन है वो ऑयल है वो ड्राई हो जाएगा और चेन रस्ट होने लगेगा। तो प्लीज़ क्लीन द चेन वेल एंड उसके बाद आपको लूप भी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोटरसाइकिल का चेन। कुछ भी पूछना आपको तो आप पूछ सकते हो, और ऐसे लोग हैं मतलब, और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, मेरा थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम था और मैं काम में बिजी हो गया था, उसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाया, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन मी टिल नाउ। वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय बाय।